Hello dear student, today we learn unit number 4, lesson number 7, bicycle, standard 1st, subject English Bal Bharati. Before start this video, if you visit my channel first time, homeschool by Route Teacher, so please subscribe the channel and press the bell icon, video like and share. First, लिसन, रीड अलाउड एंड इनएक्ट. आपको सुनना है, जोर से पढ़ना है और आपको एक्ट करना है. फर्स्ट हम इस लेसन को रीड करेंगे. राज इज ऑन द बाइसिकल. वरद वांट्स इट. वरद पुश राज ऑफ एंड राइड द बाइसिकल. हाउ डज राज फील. How does Varad feel? Raj cry. He feel sad and angry. What do you think will happen next? Raj grabs the bicycle back. Raj and Varad shout. Sushma madam comes over. Raj, you look upset. And Varad, you seem angry. I want the bicycle, said Varad. I was on the bicycle. You pushed me. Don't do that, said Raj. Raj and Varad both want the bicycle. What could they do? Varad can have the bicycle when I have finished my turn. I will ride 3 times, said Raj. Then it's your turn. Okay, I will count. They have worked it out. Raj is having a turn on the bicycle. Now it is Varad's turn. They both had a turn. How is Raj feeling now? How is Varad feeling now? Student, lesson का नाम क्या है? Lesson का नाम bicycle है. Bicycle means cycle, जो कि आपके घर में है, वह cycle. तो इस lesson में दो friend हैं, ठीक है? एक का नाम राज है और एक का नाम वरद है, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ एक ही cycle है उनके पास और उन दोनों को क्या करना है? साइकिल चलानी है, साइकिल पर राइड करनी है. तो उन दोनों किस तरह से राइड करते हैं, यह हमें इस लेसन से सीखना है. नाउ स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. राज इज ऑन द बाइसिकल. वरद वांट्स इट. यहाँ पे देखो, इस पिक्चर में यहाँ पे कौन है? एक लड़का है. वह कौन सा लड़का है? वह है राज. राज इज ऑन द बाइसिकल. राज कहाँ पे है? बाइसिकल पे है. वह साइकिल पे है. वह साइकिल चला रहा है, साइकिल से राइड कर रहा है. लेकिन उसका दोस्त, सेकंड पिक्चर में देखो, उसका दोस्त है वरद. वरद वांट्स इट, यानी वरद को वह साइकिल चाहिए. क्यों चाहिए? उसको घूमने के लिए, उसे राइड करने के लिए उसे वह साइकिल चाहिए. तो फिर वरद क्या करता है? नेक्स्ट लाइन देखो. वरद पुश्ड राज ऑफ एंड राइड द बाइसिकल. वरद क्या करता है? वरद राज को पुश करता है, यानी धक्का देता है, उसे धक्का देके गिरा देता है और वह उसकी साइकिल पकड़ता है और वह राइड करता है, यानी चलने लगता है, साइकिल चलाने लगता है. साइकिल कौन चलाता है? यहाँ पे वरद. वरद ने साइकिल कैसे हासिल की है? इस पिक्चर में देखो, यहाँ पे वरद राज को पुश कर रहा है, उसे धक्का दे रहा है, उसे धक्का देके गिरा रहा है. और ऐसे वरद राज को धक्का देके गिराया और वह साइकिल हासिल की है. नेक्स्ट लाइन, हाउ डज राज फील. हाउ डज वरद फील. अब यहाँ पे राज को कैसा फील हुआ होगा? हाउ डज राज फील. राज को कैसा फील हुआ होगा बताओ? हाँ, राज को बहुत ही बुरा फील हुआ होगा. राज फील वेरी सैड, क्योंकि वरद ने उसे गिराया है और उसकी साइकिल लेके गया है. हाउ डज वरद फील. अभी वरद को कैसा फील हुआ होगा? वरद को अच्छा फील हुआ है, क्योंकि उसे साइकिल मिली है, वह हैप्पी है और थोड़ा एंग्री भी है, क्योंकि उसने गुस्से से वह साइकिल हासिल की है.
राज क्राई, राज रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि वह गिर गया है, इसलिए उसे लगा है, इसलिए वह रोता है। ही फील सैड एंड एंग्री। राज कैसा फील कर रहा है? सैड फील कर रहा है, और उसे गुस्सा भी आया है। क्यों आया है? क्योंकि वरद ने उसकी साइकिल ली है, इसलिए उसे गुस्सा भी आया है और उसे बुरा भी लगा है। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट? आपको पता है कि आगे क्या हुआ है? आपको पता है क्या? अब बताइए आप क्या हुआ है। चलो आगे की लाइन्स देखते हैं। राज ग्रैब्स द बाइसिकल बैक। राज एंड वरद शॉट। सुषमा मैडम कम्स ओवर। क्या हुआ है? जब राज को वरद ने गिराया तो फिर से राज उठा और उसने क्या किया? राज साइकिल वापस ले लिए, यानी राज ने साइकिल वापस ले लिया। किससे? वरद से। राज एंड वरद शॉट। फिर दोनों में झगड़ा हुआ, राज और वरद में दोनों में झगड़ा हुआ साइकिल के लिए। फिर उसी समय क्या होती है? उसकी मैडम आती है, सुषमा मैडम कम्स ओवर। उसी समय सुषमा मैडम आती है और सुषमा मैडम कहती है, राज यू लुक अपसेट एंड वरद यू सीम एग्री। मैडम बोली, राज तुम परेशान लग रहे हो और वरद तुम गुस्से में लग रहे हो। कौन आई मैडम? सुषमा मैडम आई, और सुषमा मैडम आने के बाद वह राज से बोली कि तुम अपसेट दिख रहे हो, है ना? और वरद से क्या बोली कि वरद तुम गुस्से में दिख रहे हो, ऐसा गुस्सा क्यों? ऐसा मैडम ने उन दोनों से पूछा है। तो आगे क्या होता है? आई वॉन्ट द बाइसिकल सेड वरद। वरद ने क्या कहा कि मुझे बाइसिकल चाहिए थी। आई वॉच ऑन द बाइसिकल यू पुश मी, डोंट डू दैट सेड राज। फिर राज बोलता है कि मैं साइकिल पे था, आई वॉच ऑन द बाइसिकल, मैं साइकिल पे था, मैं साइकिल चला रहा था मैडम। यू पुश मी यानी जब मैं साइकिल चला रहा था तब वरद आया और मुझे पुश किया, मुझे धक्का दिया और मुझे गिराया और उसने मेरी साइकिल ले ली। राज एंड वरद बोथ वॉन्ट द साइकिल, व्हाट कुड दे डू? राज और वरद वो दोनों ही साइकिल चाहते थे, अब वे क्या कर सकते हैं कि दोनों को भी साइकिल चलाने को मिले, दोनों को भी राइड करने को मिले, ऐसा क्या करना चाहिए? तो अभी एक आइडिया आता है जो राज कहता है, वरद कैन हैव दिस बाइसिकल व्हेन आई हैव फिनिश माय टर्न, आई विल राइड 3 times, सेड राज, देन इट्स योर टर्न, ओके आई विल काउंट। राज ने कहा कि वरद के पास साइकिल हो सकती है, कब? जब मैं अपनी बारी पूरी कर लूँगा तब वरद के पास साइकिल हो सकती है। इस बारी में राज को 3 rounds लगाने थे, उसके 3 turns होने वाले थे, 3 turns होने के बाद वह वरद को साइकिल देने वाला था। राज की यह बात वरद मान गया और वह बोला, ठीक है मैं तुम्हारे 3 rounds काउंट करता हूँ, फिर तुम्हारे 3 rounds ख़त्म होने के बाद फिर मैं राइड करूँगा। दे हैव वर्क इट आउट। राज इज हैविंग अ टर्न ऑन द बाइसिकल। नाउ इट इज वरद टर्न्स। दे बोथ हैड अ टर्न। हाउ इज राज फीलिंग नाउ? हाउ इज वरद फीलिंग नाउ? राज और वरद ने इस प्रॉब्लम को सुलझा लिया था। राज साइकिल को चला रहा है और वह अपना टर्न कंप्लीट कर रहा है। वह इस टर्न में 3 rounds लगाने वाला है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, राज साइकिल चला रहा है, उसने पहला सर्कल पूरा किया, फिर दूसरा सर्कल पूरा किया, फिर तीसरा सर्कल पूरा किया। इस तरह से राज का टर्न ख़त्म हुआ, अब वरद का टर्न है। इस पिक्चर में देखो, वरद भी साइकिल पर बैठ गया है और वह अपने चक्कर लगा रहा है। वरद भी 3 chakras लगा के अपना टर्न पूरा कर लेता है। इस तरह से दे बोथ हैड टर्न, इस तरह से दोनों का टर्न पूरा हुआ। हाउ इज राज फीलिंग? अब राज को कैसा फील हो रहा है? राज को अब हैप्पीली फील हो रहा है, वह खुश है। हाउ इज वरद फीलिंग नाउ? अभी वरद को कैसा फील हो रहा है? वरद को भी अच्छा फील हो रहा है, वह भी खुश है। इस तरह से दोनों का भी टर्न और दोनों का भी साइकिल चलाने की जो इच्छा है वह पूरी हो चुकी है। तो बताओ स्टूडेंट, इस लेसन से हमें क्या सीखने को मिला है? बिल्कुल सही,
कि हमें अपने दोस्तों के साथ झगड़ा नहीं करना है, अपनी चीज़ें अपने दोस्तों के साथ हमेशा शेयर करनी चाहिए। सेकंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए, हु इज ऑन द बाइसिकल? आंसर, राज वॉज ऑन द बाइसिकल। बी, वॉट डज राज ग्रैब बैग? आंसर, राज ग्रैब बैग द बाइसिकल। सी, वॉट डू राज एंड वरद वॉन्ट? आंसर, राज एंड वरद बोथ वॉन्ट द बाइसिकल। डी, हाउ मेनी राउंड्स डू राज एंड वरद हैव? आंसर, दे बोथ हैड थ्री राउंड। थर्ड, हाउ डू यू फील ड्रॉ एंड राइट? आपको कैसा फील हुआ है यह आपको बताना है, उसे ड्रॉ करना है और लिखना है। फर्स्ट, व्हेन यू गेट अ चॉकलेट, जब आपको चॉकलेट मिलती है तो आपको कैसा फील होता है, यहाँ पे ड्रॉ करना है और यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, आपको कैसा फील होता है, अच्छा फील होता है ना, तो यहाँ पे ये पिक्चर हमें ड्रॉ करनी है और बाजू में हैप्पी लिखना है, HAPPY, हैप्पी। सेकंड, व्हेन यू शेयर योर थिंग्स, जब आप अपने दोस्तों से अपनी चीज़ शेयर करते हो तब तुम्हें कैसा फील होता है, हैप्पी या सैड? बिल्कुल सही, हमें हैप्पी फील होता है। यहाँ पे हम हैप्पी का पिक्चर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे HAPPY, हैप्पी लिखेंगे। नेक्स्ट, व्हेन यू हेल्प योर फ्रेंड, जब आप अपने दोस्तों को मदद करते हो तब आपको कैसा महसूस होता है? बिल्कुल सही, तब हमें हैप्पी फील होता है। तो यहाँ पे हम हैप्पी का पिक्चर बनाएंगे और बाजू में हैप्पी लिखेंगे, HAPPY, हैप्पी। नेक्स्ट, व्हेन यू लॉस योर पेंसिल, जब आप अपनी पेंसिल खो देते हो तब आपको कैसा महसूस होता है? बिल्कुल सही, हमें सैड महसूस होता है, इसलिए हम यहाँ पे सैड वाला पिक्चर ड्रॉ करेंगे और यहाँ लिखेंगे SAD, सैड। इस तरह से यह लेसन फिनिश होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ऐसे ही आगे के लेसन के वीडियो पाने के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।